हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेके गए। और आज मैं लेके आया हूँ पिंक स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेके गए। और पिंक कलर किसे किसे पसंद है दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते और देखते हमारे पास पिंक कलर की कौन कौन सी और कैसी कैसी स्टेशनरी आइटम है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों हमें इसके अंदर क्या मिलता है। तो इसके अंदर दोस्तों हमें पिंक कलर की मिलती है एक बॉटल, ये देख सकते हो बॉटल है, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग। और दोस्तों बॉटल नहीं है, इस बॉटल में मिलता है हमें एक हाइलाइटर, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो ये देख सकते हो टिप है, टिप की क्वालिटी देख सकते हो कितनी जबरदस्त है, चलाते हैं टिप को तो ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त चल रहा है ये हाइलाइटर। बॉटल लुक में दोस्तों हाइलाइटर है, काफी सुंदर काफी प्यारा सा। तो आपको ये बॉटल वाला हाइलाइटर सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। नेक्स्ट चीज है दोस्तों हमारे पास एक डाइस, ये देख सकते हो डाइस है, पिंक कलर का डाइस है। और इस डाइस नहीं है, ये है एक शार्पनर सेट, देख सकते हो एक छोटा शार्पनर मिलता है और इसके अंदर, और एक काफी बड़ा शार्पनर मिलता है। चलो आपको शार्पनर की क्वालिटी भी दिखाता हूं। तो ये देखो दोस्तों अंदर हमें काफी अच्छा और काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों शार्पनर का ब्लेड मिल जाता है, और काफी सुंदर डाइस वाला शार्पनर है। तो आपको डाइस वाला शार्पनर सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक स्कूटर, ये देख सकते हो काफी सुंदर सा स्कूटर है, पिंक कलर का स्कूटर। और दोस्तों ये स्कूटर नहीं है, ये है एक स्कूटर वाला शार्पनर, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो नीचे दोस्तों हमें एक होल मिलता है, इसमें दोस्तों हम पेंसिल डालेंगे फिर पेंसिल को छीलेंगे। और शार्पनर कहां मिलता है, तो शार्पनर मिलता है इसकी सीट के अंदर, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त शार्पनर मिल जाता है, काफी सुंदर शार्पनर मिलता है। तो आपको ये स्कूटर वाला शार्पनर सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक रोबोट, अरे वाह, और ये भी पिंक कलर का रोबोट है। और इसके अंदर क्या मिलता है, तो इसके अंदर भी दोस्तों हमें शार्पनर मिलता है, ये रोबोट वाला शार्पनर है दोस्तों। चलो फटाफट खोल के दिखाता हूं ये शार्पनर कैसा है इसके अंदर। तो ये देखो दोस्तों शार्पनर मिल जाता है, रोबोट वाला शार्पनर। पीछे दोस्तों हम पेंसिल को डालेंगे फिर पेंसिल को छीलेंगे, जितना भी छिलका आएगा वो सारा इसके अंदर ही रहेगा दोस्तों। ये तो काफी जबरदस्त शार्पनर है, रोबोट वाला दोस्तों शार्पनर है। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये बटरफ्लाई वाला पैन, ये देख सकते हो कितना जबरदस्त लग रहा है, कितना अमेजिंग लग रहा है। और बटरफ्लाई का कलर देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और इसे चलाते हैं, उससे पहले आपको टिप दिखाता हूं, ये देख सकते हो इसकी टिप कितनी जबरदस्त से चलाते हैं पैन को। तो ये देखो दोस्तों मेरे हाथ में ऑयल लगा, इस चक्कर में पैन ठीक से नहीं चल रहा, बट देख सकते हो कितना जबरदस्त और कितना अच्छा पैन है दोस्तों, ये बटरफ्लाई वाला पैन है। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक पेंसिल दोस्तों, और ये पेंसिल नहीं है, ये है एक हाइलाइटर सेट, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो इसका ढक्कन यहां से ओपन होगा, इसका ढक्कन ओपन किया और इसकी टिप देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त और कितनी बड़ी टिप है, चलाते हैं तो ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त चल रहा है पेंसिल लुक में, हाइलाइटर सेट है दोस्तों काफी सुंदर सा दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक क्राउन दोस्तों, और ये क्राउन नहीं है, ये तो है एक हेयर क्लिप, ये देख सकते हो हेयर क्लिप है, काफी सुंदर सी दोस्तों और काफी पिटी हुई लग रही है। और इस हेयर क्लिप को तो मैं अपनी बहन को दिखाऊंगा, वो तो इसे देख के पागल ही हो जाएगी दोस्तों, ये तो काफी जबरदस्त हेयर क्लिप मिल गई इस बॉक्स के अंदर। और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें क्या मिली, एक वॉच, और वॉच नहीं है दोस्तों, ये तो कुछ और चीज है। वॉच के अंदर देखो दोस्तों हमें क्या दिख रहा है, शार्पनर दिख रहा है, और ये देख सकते हो एक साइड ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसमें मिलता है हमें एक इरेजर, और दूसरी साइड दोस्तों हमें मिलता है ब्रश, ये देख सकते हो काफी अच्छा ब्रश मिल जाता है। बीच में ओपन किया तो ये देख सकते हो घड़ी को हटाया तो इसके अंदर मिलता है हमें शार्पनर, ये देख सकते हो यहां से दोस्तों हम अपनी पेंसिल को शार्प करेंगे, काफी जबरदस्त सेट है, ये 3-in-1 सेट है दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें एक कैरेट मिला, और इस कैरेट पे तो दोस्तों काफी अच्छा स्माइली बना है। चलो देखते हैं ये कैरेट क्या चीज है और इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो इसका ढक्कन ओपन हुआ और इसका टिप देखो दोस्तों, इसकी टिप भी काफी अच्छी है, और ये भी है एक हाइलाइटर सेट, कैरेट वाला हाइलाइटर है, काफी अच्छा चल रहा है दोस्तों, काफी प्यारा चल रहा है। और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या मिलता है। तो मेरे ख्याल से हाइलाइटर ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलता। तो आपको ये कैरेट वाला हाइलाइटर सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, ये क्या है, ये तो है एक
कार दोस्तों, और काफी सुंदर कार है, और इसके व्हील देखो दोस्तों घूम भी रहे हैं, काफी जबरदस्त सुपर रेसिंग कार है। और ये कार नहीं है दोस्तों, ये तो कुछ और है। तो पीछे बटन दबाएंगे तो इसके अंदर मिलता हमें एक पैन, ये देख सकते हो कार वाला पैन है, काफी सुंदर सा दोस्तों। इसकी टिप देख सकते हो काफी जबरदस्त है, मेरे हाथ में ऑयल लगा इसलिए ठीक से नहीं चलेगा, तो मैं आपको गत्ते पे चला के दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो गत्ते पे चल रहा है, काफी अच्छे से चल रहा है। ये कार लुक में पैन है, काफी सुंदर सा, काफी प्यारा सा। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें पिंक कलर का क्या मिला, तो ये क्या है, चलो ओपन करते हैं। तो ये तो है एक मेकअप इरेजर सेट, अरे वाह ये तो काफी जबरदस्त है। ये पूरा ये सेट है इरेजर दोस्तों, मेकअप लुक में काफी सुंदर सा दोस्तों। और ये सारी चीजें भी है इरेजर, ये देख सकते हो इसके अंदर जितनी भी चीजें ये सारी इरेजर है दोस्तों। और इसके अंदर जो मिरर मिला ये भी इरेजर, ये तो काफी जबरदस्त सेट है, काफी अच्छा सेट है। तो आपको ये मेकअप इरेजर सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एक और रोबोट वाला शार्पनर सेट, ये देख सकते हो ये तो काफी जबरदस्त है। और इसका शार्पनर देखो दोस्तों कितना बड़ा शार्पनर मिलता है इसके अंदर, इसके ब्लेड तो काफी अच्छा है, काफी बड़ा ब्लेड मिल जाता है, एक छोटा ब्लेड मिलता है। ब्लेड की क्वालिटी वाकई में काफी जबरदस्त है, काफी अच्छा शार्पनर मिल गया। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, ये क्या है, एक मछली की पूंछ दोस्तों, और ये तो कुछ और चीज लग रही है। चलो ओपन करते देखते क्या है। तो इसे ओपन किया तो ये तो है एक लिप बाम, अरे वाह दोस्तों ये तो लिप बाम मिल गया इसके अंदर मछली वाला दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, एक बियर या कैट वाला सेट है, चलो देखते हैं क्या है। तो इसके अंदर दोस्तों हमें दो दो होल दिख रहे हैं, और एक छोटा होल दिख रहा है, काफी बड़ा होल दिख रहा है, यानी इसके अंदर मिलेगा हमें शार्पनर, ये देख सकते हो काफी अच्छा शार्पनर मिल जाता है, काफी प्यारा शार्पनर सेट है दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक आइसक्रीम, अरे वाह, और ये तो है एक आइसक्रीम वाला पेंसिल पाउच, देख सकते हो कितना पिटी लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल की आइसक्रीम है। यहां देख सकते हो दोस्तों हमें जिप मिलती है, जिप को ओपन किया तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलती है बेल्ट, ये देख सकते हो बेल्ट के दोनों साइड दोस्तों हमें लॉक मिल जाता है। इन दोनों लॉक को दोस्तों हम इस जगह लगा लेंगे, फिर ये पाउच बन जाएगा एक पर्स लुक में, देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हमें बेल्ट भी मिल गया। ये पाउच काफी अच्छा है, काफी सुंदर, क्वालिटी भी दोस्तों काफी जबरदस्त है। और इसके अंदर की स्पेस की बात करें, स्पेस भी काफी सारा है, काफी सारा हमारा स्टेशनरी आइटम और मनी आ जाएगी इसके अंदर। तो आपको आइसक्रीम वाला पेंसिल पाउच या पर्स कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स, अरे वाह ये ज्योमेट्री बॉक्स तो काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें 1 2 3 4 5 बटन मिलते हैं, और पांचों बटन का कलर बिल्कुल अलग अलग है। चलो इन पांचों बटन का यूज करके दिखाता हूं। तो रेड बटन दबाता हूं, रेड बटन दबाते ही शार्पनर ऊपर आ जाता है, देख सकते हो यहां शार्पनर मिल गया। चलो ब्लू बटन दबाता हूं, तो ब्लू बटन दबाते ही ये देख सकते हो एक पार्ट ऊपर आ गया। और ये तो है कैलेंडर, अरे वाह, और कैलेंडर को तो हम बिल्कुल सेट भी कर सकते हैं यहां से कि डेट कौन सा, मंथ कौन सा है, बिल्कुल अच्छे से। तो इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें कैलेंडर भी मिल गया। चलो तीसरे बटन यानी येलो बटन को दबाते हैं, येलो बटन को दबाए तो छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आ गया, इसमें गाइस हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ग्रीन बटन को दबाए, ग्रीन बटन को दबाते थर्मामीटर दिखता है हमें यहाँ। तो चलो पिंक बटन को दबाते, पिंक बटन को दबाए तो ये देखो दोस्तों एक कंपार्टमेंट नीचे से बाहर आता है, अगेन दिखाता हूँ, पिंक बटन दबाया और कंपार्टमेंट बाहर। और इस कंपार्टमेंट दोस्तों हमें मिलता है एक पेंसिल लॉक, ये देख सकते हो काफी अच्छा पेंसिल लॉक मिल जाता है। चलो बंद करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं दोस्तों, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन करा तो ये देखो दोस्तों हमें पांचों बटन से जो कंपार्टमेंट बाहर आया था वही कंपार्टमेंट ढक्कन खोलने के बाद मिलता हमें, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है दोस्तों, काफी अमेजिंग। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं तो यहां देखो दोस्तों हमें काफी अच्छा कंपार्टमेंट मिल जाता है। और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें मैथमेटिक इंस्ट्रूमेंट के फोटो देखने को मिल जाते हैं, गहराई काफी अच्छी है, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, प्रिंसेस की है दोस्तों, पांच बटन वाली ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एक यूनिकॉर्न का सेट, और ये क्या है दोस्तों, चलो देखते हैं। तो इसे ओपन करते हैं, तो इसे ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिला, एक साइड दोस्तों हमें मिरर मिल गई, देख सकते हो काफी अच्छा था मिरर। और ये देखो दोस्तों दूसरी साइड हमें मिल जाता है कंघा, ये देख सकते हो कंघे को दोस्तों पीछे से पुश करेंगे तो आगे कंघा निकल जाएगा, फिर हम अपने बालों को सेट कर सकते हैं, ये तो काफी जबरदस्त काफी
काफी अमेजिंग सेट है, यूनिक वन का टू इन वन सेट है। इस सेट में हमें मिरर भी मिल गया और कंघा भी मिल गया। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है एक प्रिंसेस एलिफेंट की ज्योमेट्री बॉक्स। ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी सुंदर है, काफी प्यारी है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में देखो दोस्तों हमें दो बटन मिलते हैं। इन दोनों बटन का यूज देखते हैं पहले। तो इसके बटन को दबाया तो ये देख सकते हो एक शार्पनर ऊपर आ गया पहले बटन को दबाने से। चलो सेकंड बटन दबाया तो ये देखो दोस्तों नीचे से कंपार्टमेंट बाहर आ गया और कंपार्टमेंट की गहराई काफी ज्यादा है दोस्तों। इसमें हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो बंद करते हैं और ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो यहाँ देखो एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है और एक सेक्शन में दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है। साथ ही दोस्तों एक मार्कर मिला यानी व्हाइट बोर्ड भी जरूर मिलेगा इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। एक सेक्शन है, इस सेक्शन में दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं। तो पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो यहाँ देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और ज्योमेट्री बॉक्स की लंबाई देख सकते हो कितनी ज्यादा लंबी है दोस्तों ये ज्योमेट्री बॉक्स। और यहाँ देखो दोस्तों हमें एक लॉक दिखता है, इस लॉक को खींचते हैं तो ये देखो दोस्तों इसमें हमें मिलता है एक व्हाइट बोर्ड। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त व्हाइट बोर्ड है, काफी प्यारा व्हाइट बोर्ड है दोस्तों। और यहाँ देखो दोस्तों आई लव यू आई लव यू आई लव यू लिखा है बॉर्डर पे दोस्तों, काफी जबरदस्त है। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि बिल्कुल अच्छे से अंदर भी चलेगा, जब हमें व्हाइट बोर्ड यूज करना है तो इसे खींचेंगे फिर हम अपना व्हाइट बोर्ड पे अपना वर्क कर सकते हैं। काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी है दोस्तों, लिटिल प्रिंसेस एलिफेंट की ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक स्टार। अरे वाह दोस्तों ये स्टार मिला और इस स्टार पे तो स्माइली भी बना हुआ है। और ये क्या चीज है चलो देखते हैं। तो ये तो है एक शार्पनर सेट। अरे वाह होल से पता चल जाता है इसके अंदर हमें शार्पनर मिलेगा। कैसा शार्पनर मिलेगा चलो देखते हैं। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें काफी अच्छा सा शार्पनर मिल जाता है, स्टार लुक में शार्पनर मिल जाता है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है गाइस रिंग सेट। अरे वाह ये देख सकते हो काफी सारे रिंग मिल जाते हैं, टोटल 7 रिंग मिलती है। और ये देखो दोस्तों एक रैबिट वाली रिंग और इसके अंदर एप्पल वाली रिंग मिल जाती है, हेलो किटी वाली रिंग मिल जाती है, ये देख सकते हो गिटार वाली रिंग और स्टार वाली एलिफेंट वाली। और ये देखो दोस्तों ये भी कितनी सुंदर रिंग है दोस्तों, ये तो काफी जबरदस्त है। चलो एक रिंग दिखाता हूं तो ये देखो दोस्तों गिटार वाली रिंग कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं डोरा की ज्योमेट्री बॉक्स। ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी सुंदर है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं। ये देखो दोस्तों इसमें मिलते हैं हमें दो दो व्हाइट बोर्ड और एक व्हाइट बोर्ड तो 360 रोटेट भी होता है, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है। दो दो व्हाइट बोर्ड मिल गए ज्योमेट्री बॉक्स में। चलो ढक्कन बंद करते हैं, मेन ढक्कन ओपन करते हैं। तो मेन ढक्कन ओपन किया तो एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 3 सेक्शन मिलते हैं और एक सेक्शन में दोस्तों हमें 1 2 3 4 पेंसिल लॉक मिल जाता है। ट्रे को हटाते हैं तो ट्रे को हटाया तो नीचे देखो दोस्तों हमें मार्कर मिल गया। मार्कर से दोस्तों हम अपने व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी वर्क कर सकते हैं। साथ में फ्री में हमें पेंसिल मिल गई, साथ ही दोस्तों इसके अंदर हमें 15 सेंटीमीटर का रूलर भी फ्री में मिल जाता है ज्योमेट्री बॉक्स के। और ये देख सकते हो इस ज्योमेट्री बॉक्स की गहराई काफी अच्छी है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाए ज्योमेट्री बॉक्स में। डोरा की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, काफी सुंदर सी, काफी प्यारी सी। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक टेडी बियर का पेंसिल पाउच दोस्तों, काफी जबरदस्त है। इस पेंसिल पाउच में दोस्तों सीक्वेंस लगे हुए हैं कलरफुल, ये देख सकते हो और काफी बड़े बड़े सीक्वेंस लगे हैं। चलो कवर को हटाते हैं, तो कवर को हटाया तो ये देखो दोस्तों इसमें एक पॉकेट है, पॉकेट की गहराई देख सकते हो और काफी अच्छा पॉकेट मिलता है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम भी आ जाएगा इस पॉकेट के अंदर। चलो बंद करते हैं, दूसरी साइड को ओपन करते हैं। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे हमें एक जिप मिलती है, इस जिप को भी ओपन करा तो यहाँ देखो दोस्तों इसके अंदर क्या मिला, एक नेट वाला पॉकेट मिलता है इसके अंदर। और इसके अंदर देखो दोस्तों हमें 1 2 3 3 पेंसिल लॉक भी मिल जाता है इसके अंदर। पीछे वाले चैन को जब ओपन करते हैं तो ये तो हिडन कंपार्टमेंट है दोस्तों, काफी जबरदस्त है। इसमें दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। इसे पीछे से ओपन किया था और ऊपर भी दोस्तों हमें जिप मिलती है इस पेंसिल पाउच में, ये देख सकते हो ऊपर भी जिप मिली। इसे ओपन किया तो ये देख सकते हो इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। ये दोस्तों टेडी बियर की पेंसिल पाउच है दोस्तों, काफी सुंदर सी। आपको कैसी लगी पेंसिल पाउच दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक बारहवीं का दोस्तों पेन स्टैंड दोस्तों। अरे वाह, और इस पेन स्टैंड के अंदर देखो दोस्तों हमें पिंक कलर की मिलती है सीजर और ये तो है एक पेपर कट सीजर। और इस सीजर के अंदर देखो दोस्तों कितने सारे ग्लिटर चिपके हैं दोस्तों, ये तो काफी जबरदस्त सीजर है दोस्तों। चल साइड रखते और क्या मिलता है। तो ये देखो दोस्तों ये है बारहवीं का एक गाइस पेन स्टैंड और इस पेन स्टैंड में देखो दोस्तों हमें कितने कंपार्टमेंट मिलते हैं। नीचे एक दोस्तों कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें गाइस हम अपनी इरेजर कुछ भी चीज रख सकते हैं। यहाँ देखो दोस्तों 1 और 2 यानी 3
तीन दोस्तों हम एक सेक्शन मिल जाते हैं, एक सेक्शन में हम पेन रख सकते हैं और इस वाले सेक्शन में दोस्तों हम अपनी डायरी भी लगा के रख सकते हैं और इस जगह दोस्तों हम अपनी फोटो भी लगा के रख सकते हैं। इस बारहवीं की जगह इसे हटाएंगे, फिर इसके अंदर दोस्तों हम अपनी फोटो लगा के सेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये पेन स्टैंड 360 रोटेट भी हो रहा है, ये देख सकते हो 360 रोटेट होने वाला पेन स्टैंड, आपको दिखाता हूं अगेन। तो इसे रख दिया और ये देखो दोस्तों अपनी जगह घूम रहा है क्योंकि गाइस हमें नीचे 360 रोटेट होने वाला व्हील मिल जाता है। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पेंसिल पाउच, ये काफी अच्छा पेंसिल पाउच है और इसकी जिप देखो दोस्तों कितनी मोटी जिप है यार, काफी ज्यादा जिप है। चलो ओपन करते हैं जिप को और देखते हैं पेंसिल पाउच में कितना स्पेस है। तो इसे ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर गाइस हमें नेट वाला पॉकेट मिल जाता है, एक गाइस जिप वाला पॉकेट मिलता है, इन दोनों में काफी अच्छा स्पेस है, काफी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों पॉकेट है। यहाँ देखो दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉकेट और मिल जाते हैं जिसमें गाइस हम पेन पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं, यानी स्टैंड करके रख सकते हैं, काफी जबरदस्त है। इस कंपार्टमेंट को हटाते तो पीछे गाइस हमें एक और कंपार्टमेंट यानी एक पॉकेट और मिल जाता है जिसमें गाइस हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हो हमें एक सेक्शन मिल जाता है, इस सेक्शन में दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। काफी सुंदर पेंसिल पाउच है, काफी प्यारी पेंसिल पाउच है दोस्तों। चल साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं काफी सुंदर काफी प्यारी से एक और ज्योमेट्री बॉक्स और ये ज्योमेट्री बॉक्स का लॉक देखो दोस्तों कितना डिफरेंट है। दो साइड दोस्तों लॉक मिलता है, यानी दो दो लॉक मिलते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में। तो इन दोनों लॉक को ओपन करा तो ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो ट्रे पे देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है, काफी अच्छी लाइन भी लिखी है ड्रीम। और ये देख सकते हो इसे हटाते हैं तो नीचे कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। मुझे तो सच बताऊं इसका लॉक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगा, काफी अच्छा लगा दोस्तों। चल साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों एक और यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स मिलती है और इसका डिजाइन देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है ज्योमेट्री बॉक्स का, देख सकते हो। और यहाँ दोस्तों हमें दो दो होल दिख रहे हैं, एक छोटा होल है एक बड़ा होल है, यानी इसके अंदर हमें शार्पनर भी मिलेगा। चलो देखते हैं कैसे शार्पनर मिलेगा। एक कंपार्टमेंट मिलता है और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें एक दो दो सेक्शन और मिल जाता है और एक सेक्शन में दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है। और यहाँ देखो दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाते हैं दो दो, ये तो काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। इसे बंद करते पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते तो यहाँ देखो दोस्तों एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है और इसका डिजाइन भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है इसमें गाइस हम अपनी पेंसिल को बाहर से ही शार्प कर सकते हैं, हमें इसके ढक्कन को खोलने की जरूरत नहीं होगी, बस बाहर से पेंसिल को शार्प कर लेंगे फिर यूज कर सकते हैं। काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी सुंदर। चल साइड देखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें प्रिंसेस की मिलती है एक पेंसिल पाउच और इस पेंसिल पाउच में 1, 2, 3 जिप मिलती है। चलो तीनों जिप को ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। मेन जिप को ओपन किया तो ये देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो सेकंड जिप को ओपन करते हैं, सेकंड जिप को भी ओपन किया तो इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा देख सकते हो। और इसके यानी टेप को हटाते हैं तो टेप को हटाई तो यहाँ देखो दोस्तों हमें एक छोटा सा पॉकेट मिलता है और यहाँ देखो दोस्तों हमें क्या मिला, 1, 2, 3 गाइज लॉक मिल जाते हैं जिसमें गाइज हम अपनी पेन या पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। तो काफी जबरदस्त है, हिडन कंपार्टमेंट मिल जाता है इस पेंसिल पाउच में। चलो मेन जिप को ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। मेन जिप को भी ओपन कर लिया तो यहाँ देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाए। प्रिंसेस का पेंसिल पाउच है दोस्तों, काफी सुंदर सा। चल साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक यूनिकॉर्न की मैजिक ज्योमेट्री बॉक्स, ये तो काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी सुंदर है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स के ढक्कन खोलने के लिए दोस्तों हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड क्या है, 2, 4, 6, तो 2 को हम ऊपर कर देंगे, 4 को भी ऊपर कर देंगे, 6 को भी ऊपर कर देंगे। या ऑन ऑफ लिखा है दोस्तों, तो ऑन करते हैं तो ऑन करते ही ढक्कन ओपन हो जाएगा। ढक्कन ओपन होते ही देख सकते हैं ट्रे पे दोस्तों में 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है, स्पेस काफी अच्छा है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो ट्रे को हटाते तो नीचे कंपार्टमेंट है, दो छोटे छोटे सेक्शन मिल जाते हैं और जिसमें गाइस हम शार्पनर इरेजर रख सकते हैं। काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी है दोस्तों। चल साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें एक बारहवीं की ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी ज्योमेट्री बॉक्स काफी सुंदर है, डिजाइन देख सकते हो कितना जबरदस्त है बारहवीं का दोस्तों। तो ढक्कन ओपन कर, ढक्कन ओपन करते ट्रे पे दोस्तों हमें पेंसिल लॉक देखने को मिल जाते हैं, वो भी 4-4 ये देख सकते हो। और इस ट्रे को हटाते हैं तो नीचे देखो दोस्तों हमें क्या मिला, इसके अंदर एक टाइम टेबल का स्टिकर मिलता है और इस ज्योमेट्री बॉक्स में और स्टेशनरी आइटम मिलती है जो मेरी बहन ने निकाल लिया। चलो कोई बात नहीं, इसे साइड रखते हैं, ये देख सकते हो इसकी गहराई कितनी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा ज्योमेट्री बॉक्स में, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है बारहवीं की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चल साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों एक और पेंसिल पाउच मिलता है और इसके कवर को हटाते हैं तो कवर को हटाया तो ये देखो दोस्तों इसमें जिप है, जिप को ओपन कर रखा है तो ये देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस,
से इसे हटाते हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें एक पॉकेट मिल जाता है। और इसमें देखो दोस्तों हमें एक दो तीन 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 लॉक और मिल जाते हैं इसके अंदर, ये देख सकते हो, जिसमें पेन पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। और इस पाउच में भी दोस्तों तीन जिप मिलते हैं, एक दो तीन, पीछे भी दोस्तों हमें जिप मिल जाती है। चलो मेन जिप को भी ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है, तो मेन जिप को भी ओपन कर लिया दोस्तों। इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा और पीछे वाली जिप में भी देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। काफी सुंदर पेंसिल पाउच है, काफी प्यारी है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर। तो बॉक्स हो गया खाली, तो आज इस बॉक्स में तो हमें मिली पिंक कलर की सारी स्टेशनरी आइटम। आपको सबसे अच्छी स्टेशनरी आइटम कौन सी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।